अंकिता लोखंडे दिल से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता चल ही गई होगी। पर सुबह सुबह मुनावर फारूकी के बारे में आयशा के साथ जो बात कर रही थी, उसके बाद तो भाई पूरी चीज़ें ही क्लियर हो गई हैं मेरे माइंड में, और मैं चाहती हूँ कि आपके माइंड में भी ये चीज़ें क्लियर ज़रूर हो। आयशा भी जो है सिर्फ गेम के लिए यहाँ पर आई है, फेम के लिए यहाँ पर आई है, ये चीज़ तो आपको पता ही है। ईशा भी जो है वो गेम के लिए ही है यहाँ पर, और उसने इवन समर्थ के साथ भी गेम खेली, वो उसके पास दिल नहीं है, वो हार्टलेस है जैसे कि अभिषेक बोलता है। और चलो गेम खेलनी बहुत सही बात है, बट आपको जनता का दिल भी जीतना होता है, जो कि आप लोग शायद जीत नहीं पाए हैं। कुछ लोगों का दिल जीता होगा, पर कुछ बहुत सारे लोगों का दिल जीता नहीं है। ये बाहर बैठे हैं जहाँ पर विक्की भैया योगा कर रहे हैं, और वहीं पर ये कंबल ओढ़े दोनों दोनों जो है बैठ गई हैं, जिनके पास दिल नहीं है, आयशा और अंकिता लोखंडे। अंकिता का कहना ये है कि यार ये कैसा है ना, ये मतलब कि इससे ही पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा दिमाग लगाता है गेम में, कितना ज़्यादा डेस्परेट है। कल रात को पूरी रात जो है ये जागा है। बात कर रहे हैं यहाँ पर मुनावर फारूकी के बारे में। मुनावर फारूकी रात भर जागे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी चीज़ों को, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से आज का टॉर्चर टास्क जो है वो जीतना है। इसी चीज़ से हंसने लग जाती है आयशा। आयशा बोलती है हो, हाँ ये एक्चुअली में ऐसा ही है, और देखो ये बोल रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से आज जो है वो जीतना ही है, कितना ज़्यादा डेस्परेट है ये चीज़ जो है बोलते हैं। और तो और अंकिता ये भी बात बोलते हैं कि जिस तरीके से ये अब दिखाई दे रहा है ना, मुझे मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ भी इसका रिश्ता सही वाला है या नहीं। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि इसके साथ भी रिश्ता जो है सिर्फ और सिर्फ गेम से रिलेटेड ही था, और जो रियल वाला रिश्ता जो कि वो फील करती है वो है नहीं है। बहन ये बात बता, तेरा कौन सा है? तू भी तो गेम में उसको टॉर्चर कर रही थी, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गेम में, तो तुम अपने पति को भी बाहर निकाल देती हो, तो आखिरकार तुमसे क्या कोई उम्मीद करे? तो तुम भी अपनी पति के सगी नहीं हो, दिखाई तो दे रहा है ना सब चीज़ें। इनकी डबल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में मैं भी आप लोगों को लगातार बता रही हूँ। तो कैसा लगा है इससे क्लैरिटी के बारे में जान के? इसी के साथ मैं लेती हूँ नमस्कार।